If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल T24 टाइम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आप अपने सिस्टम पे जिप फाइल या रार फाइल को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और कैसे उसको अपने सिस्टम पे ओपन कर सकते हैं इस तरह की फाइलों को। तो यहाँ पे इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आई थी, इस पर लोग पूछ रहे थे कि जो आपकी फाइलें हैं वो मेरे सिस्टम पे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ओपन नहीं हो रही हैं और आप बोलते हैं कि एक्सट्रैक्ट करके आप ओपन करिए, पर मैं यहाँ करता हूँ तो मेरे साइड एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको कुछ सैंपल भी दिखा दूँ, हालांकि ये भी जिप फाइल है। जो जिप फाइल है वो तो हो जाएगी एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट आल पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास विंडो 8.10 है तो उस पर ऑटोमेटिकली ये फाइल काम कर देगी, लेकिन यदि यहीं पर आपका रार फाइल होगा तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मेरी फाइलें जो हैं कि रार में है और रार फाइलें जो हैं ये ओपन नहीं होंगी यदि आपके कंप्यूटर में विनरार इंस्टॉल नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। और यहाँ पे यदि जिप फाइल है तो वो तो ओपन हो जाती है, एक्सट्रैक्ट आल पे क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन रार फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ को बताने के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या है, यदि आपके सिस्टम पे भी विनरार इंस्टॉल नहीं है तो कैसे उसको इंस्टॉल करना है और कैसे इन फाइलों को आपको एक्सट्रैक्ट करना है या ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी इनका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से हो रहा है। अब जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा फिर इनका इंटरफेस देखिएगा कैसा दिखने लगेगा आपके सिस्टम पे। तो यहाँ पे देखिए, अभी इस फोल्डर को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और अब चलते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, चलना है अपने गूगल क्रोम पे, आपको ओपन कर लेना गूगल क्रोम और वहाँ पे google.com टाइप करके ओपन कर लेना है और फिर इसके सर्च बार में आपको लिखना है विनरार। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ठीक इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने विनरार लिखा तो यहाँ विनरार डाउनलोड आ चुका है। अब यहाँ पे विनरार डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो इसका पहला पेज ओपन होगा, यहाँ पे विनरार डाउनलोड एंड सपोर्ट डाउनलोड, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब जैसे कि हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ नीचे देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में लिखा है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर देन यू आर प्रॉबली लुकिंग फॉर दिस। यहाँ पे देखिए विनरार 5.7 इसका वर्जन है और ये 64 बिट के सिस्टम पर सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को फाइंड कर लेगा कि आपका सिस्टम कितने बिट का है और यदि आपको चेक करना है कि यहाँ पे ये सही है, हम इसको डाउनलोड करेंगे तो ये काम करेगा, तो इसके लिए आप एक बार अपने सिस्टम पे चेक कर लीजिए कि आपका सिस्टम कौन से बिट का है। मेरा तो 64 बिट का है, तो यहाँ पे देखिए 64 बिट ऑटोमेटिकली आ चुका है और इस पर क्लिक करके मैं डाउनलोड करूँगा। और यदि यहाँ पे देखिए यदि 32 बिट का है तो यहाँ पे हमको नीचे क्लिक हेयर पे क्लिक करके डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे चलिए मैं ये भी बता दूँ कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका सिस्टम 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। तो इसको अभी मिनिमाइज करते हैं और इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पे देखिए माई कंप्यूटर लिखा है, माई कंप्यूटर पर आपको माउस का राइट वाला बटन दबाना है। जब राइट वाला बटन दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये डिटेल आ रही है, ये सिस्टम टाइप, यहाँ पे आपका कंप्यूटर का जो इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए सिस्टम टाइप, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये 64-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 64-बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा। तो यहाँ से आपको भी चेक कर लेना है कि आपका सिस्टम कौन से बिट का है। तो ये रही बात बिट जानने की, अब चलिए चलते हैं, अब इसको इंस्टॉल भी करके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड विनरार पे हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे नीचे ऊपर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू टू डाउनलोड विनरार, नीचे क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर से ही डाउनलोड कर लेता हूँ, कंटिन्यू टू डाउनलोड विनरार। तो यहाँ पे आपसे ईमेल एड्रेस मांगेगा आपका, तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो वो आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो है यह आसानी से डाउनलोड हो जाएगा और आपको 40 दिन का जो है फ्री में सपोर्ट दिया जाएगा यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो, और यदि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल किया है, तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर दूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी फाइल थी, तुरंत ही डाउनलोड हो गई है। अब चलिए चलते हैं, ये डाउनलोड कहाँ हुई है तो मैं अपने फोल्डर में चलता हूँ। यदि आपके पास डाउनलोड मैनेजर नहीं इंस्टॉल है तो ये डायरेक्ट यहाँ पे नीचे साइड ये डाउनलोड होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, या फिर आप गूगल क्रोम के डाउनलोड वाले एरिया में जाके देख सकते हैं कि कहाँ डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ आपको यहाँ पे ये बिंदियाँ आपको दिख रही हैं साइड में, इस बिंदी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे
तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि क्या क्या डाउनलोड हुआ है, उसके बाद हम उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ डाउनलोड किया था तो ये ओपन हुआ, तो ठीक इस तरह से आपका विनरार भी ओपन हुआ यहाँ। अब इसके बाद क्या करना है, चलिए ये मेरे दूसरे फोल्डर में डाउनलोड हुआ है, तो चलिए मैं डायरेक्ट चल के दिखाता हूँ। तो मैं अपने माई कंप्यूटर पर गया, कहाँ पर डाउनलोड हुआ है मेरे सिस्टम पर, तो यहाँ पर देखिए हम अपने डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड्स पे हमने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद ये जो हमारा सेटअप है ये प्रोग्राम से डाउनलोड हुआ है प्रोग्राम फोल्डर के अंदर, तो इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विनरार कुछ इस तरह से आइकॉन दिखेगा, तो इस पर आपको क्या करना है, इस पर भी आपको राइट क्लिक कर लेना है और ओपन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं, ये इंस्टॉल होगा। तो यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन आपसे पूछ सकता है, तो आप परमिशन दे दीजिए अपने विंडो को, यस कर दीजिए। तो यहाँ पे जो इसकी इंस्टॉलिंग है वो शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसके बाद आपको इंस्टॉल कर देना है और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सीधे आपको ओके कर देना है, तो ये इंस्टॉलिंग होने लगेगी। तो यहाँ पे देखिए मैसेज भी आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग विनरार, और डन पे क्लिक कर देते हैं और इसको भी फोल्डर को भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये वही फाइल है जो कि अभी जो इसका इंटरफेस था वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था। और अब देखिए अब इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट हेयर या एक्सट्रैक्ट टू या एक्सट्रैक्ट फाइल का ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल जाएगा देखने को। और फिर से उसी फोल्डर में चलते हैं जहाँ हमने दिखाया था कि ये देखिए इसका इंटरफेस कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए कुछ ऐसा इसका इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारी जिप फाइल थी और ये रार फाइल थी, तो जिप फाइल को भी ऐसे ही आपको एक्सट्रैक्ट टू या फिर एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए एक को मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए मैं इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। तो इस फाइल पर हमने राइट क्लिक किया और इसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फाइल पासवर्ड पूछेगी, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो हालांकि मेरे जिप फाइल में पासवर्ड डाला है, यदि आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, यदि आप और कोई जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो तुरंत ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब आपके समझ में आ गया होगा कि जिप फाइल को कैसे इंस्टॉल करना है, विनरार कैसे इंस्टॉल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही है, आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।